तो नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्यारा YouTube चैनल राम की बगिया। जी हाँ, जो आज एक पौधे को हम अपने गार्डन में ऐड करेंगे, इसको छोटी चांदनी के नाम से जैस्मिन भी जानते हैं, और जैस्मिन की एक किस्म है, इसको छोटी चांदनी के नाम से जानते हैं। इसमें कई तरह के पौधे आते हैं, ये मिनी चांदनी भी लोग इसको कहते हैं, और इसके फ्लावर्स जो हैं बहुत बढ़िया और खूबसूरत होते हैं, देखिए वाइट कलर के, और बहुत सारे टॉप पे निकलते हैं, और इसका पौधा बिल्कुल बुशी हो जाता है, और ये आपको ग्रीन ग्रीन ग्रीनरी के साथ साथ आपको सफ़ेद सफ़ेद फ्लावर दिखाई देंगे, और बहुत खूबसूरत है ये, क्योंकि इसमें इसके स्टम में दूध होता है, तो इसको पानी की कम आवश्यकता होती है। और अगर आप पत्तियां इसकी हरी देख रहे हैं, इसका मतलब इसको नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा चाहिए, यानी इसको नाइट्रोजन बहुत चाहिए और साथ में फास्फोरस कम चाहिए, और पोटाश, क्योंकि फ्लावरिंग बहुत होती है, पोटाश की मात्रा ज़्यादा चाहिए। तो इस ये कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा इसमें, कि नाइट्रोजन ज़्यादा हो, पोटाश ज़्यादा हो और फास्फोरस थोड़ा कम हो। फास्फोरस जड़ों का विकास के लिए काम आता है, तो इस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन आपको बनाना होगा। इसको अगर साधारण मिट्टी में लगा देंगे और ज़्यादा खाद नहीं देंगे तब भी चलेगा, और इसको केमिकल खाद देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि पौधा में जिस पौधों में दूध होता है, यानी कि इनकी स्टेम में दूध तरह का एक मटेरियल होता है, तो वो मटेरियल वाले पौधे कम खाद में भी चल जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, इसको बहुत तेज़ सनलाइट में ना रखें, कि गमले में आप लगा रहे हैं, अगर पौधा ज़मीन पर लगाएंगे तो बहुत आसानी से ये ग्रो करेगा, लेकिन जब गमले में लगाते हैं कोशिश करें इसको प्लास्टिक गमला ना दें। हालांकि हम प्लास्टिक का, क्योंकि छोटा पौधा मेरा छोटा है भी, तो मैं इसको छोटा पॉट दे रहा हूँ, और इसमें मैंने प्रॉपरली ड्रेनेज के लिए देखिए बढ़िया सी जो गमले के टूटे हुए टुकड़े डाल रखे हैं, जिससे कि एक लेयर बना दी है, जिससे कि ये प्रॉपरली ड्रेन हो जाए वाटर। और जो हमने सॉइल बनाई है उसमें हमने डाली हुई है, ये हमारी गार्डन सॉइल है, इसमें कोई मैंने केमिकल नहीं डाला है। अभी इसमें थोड़ा सा मिलाऊंगा फंगीसाइड, और बाकी बोन मील थोड़ी सी, और थोड़ी सी सीवेड, और पोटाश की हल्की सी मात्रा। देखिए जब आप केमिकल खाद का प्रयोग कर सकते, जब आप इसको ग्रो करें केमिकल के रूप में, तो इसमें आप पहले लगा दें, जब पौधा थोड़ा ग्रो करने लगे तब आप केमिकल खाद दें, क्योंकि अगर तुरंत देंगे तो पौधा उतना अच्छा नहीं चलेगा। इसमें कई वैरायटी आती है, एक मिनी है, जैसे ये मिनी चांदनी है, उसी प्रकार की एक इससे बतासा चांदनी आती है जिसका फ्लावर थोड़ा सा बड़ा होता है, एक देसी चांदनी आती है जिसके पत्ते थोड़े बड़े होते हैं। तीन चार प्रकार की चांदनी आती, तो आप इनमें से जो आपको पसंद हो लगाएं। हमने मिनी चांदनी लगाई है। इस पौधे को आपको कम से कम हाफ डे की सनलाइट चाहिए, आधे दिन के सनलाइट में ये बहुत बढ़िया प्रॉपरली वर्क करता है, और इसको पानी की मात्रा भी कम चाहिए, धूप भी आपको आधे दिन में काम चल जाएगा, और जब एक्सट्रीम गर्मी में ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करता है, ख़ासकर जब, और जून जुलाई अगस्त में इसके फ्लावर बरसात में बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करने लगता है, तो ये जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ये बहुत बढ़िया चलेगा। उसके बाद जाड़ों में थोड़ा सा इसमें डोरमेंसी पीरियड रहता है, तब पत्तियाँ वत्तियाँ कम हो जाती हैं। देखिए इसमें कीड़ों का प्रकोप बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें नीम ऑयल का छिड़काव करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि मीली बग या इस तरह की कई सारी जो कीड़े मकोड़े हैं वो, क्योंकि इसकी पत्तियाँ बहुत हरी हैं तो कीड़े वड़े कभी कभी लग जाते हैं, परंतु सामान्यतः अगर नीम कोयल का प्रयोग करेंगे तो इस पे पत्तियाँ आपको अच्छी दिखाई देंगी, और बढ़िया तरीके से ये पौधा चलेगा। चलिए इसको रिपोर्ट करते हैं। दोस्तों देखिए इसमें ज़रूर एक चम्मच आप वो फंगीसाइड ज़रूर डाल दें। फंगीसाइड डालने से ये रहता है, कम से कम अगर फंगस लगेगा तो पौधा आपका बच जाएगा, तो एक चम्मच फंगीसाइड डाल दें, और हमने इसमें आधा ही चम्मच डाला है, और साथ में इसमें, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक पोटाश डाल रहा हूँ, इसमें ऑर्गेनिक पोटाश मैं पहले डाल दूंगा, अदरवाइज अगर हमको केमिकल देना होता तो मैं बाद में डालता। और इसमें बोन मील जरूर डालेंगे, थोड़ा नीम की खली डाल देंगे। देखिए इसमें एनपीके ज़्यादा चाहिए, तो इसमें हम थोड़ा सा नीम की खली मिला देंगे। नीम की खली से पौधा जो है थोड़ा सा भुरभुरी मिट्टी भी हो जाती है और प्रॉपरली चलता भी है। और सीवीड भी डाल देखिए, सारी चीज़ें वही डालनी है जो बाकी पौधों में डालते हैं। खाना खुराक तो सबका एक ही है, थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है। जैसे इसको फास्फोरस कम चाहिए तो हम ब्रोन मिल थोड़ी सी डालेंगे, और इन सबको मिलाकर इसमें हम जो है इसको हम मिलाकर इसमें लगा देंगे। देखो दोस्तों ये पौधा बहुत हार्डी है, और इसको अगर खाद नहीं देंगे तब भी चल जाएगी, और
ये इसको हम लगा देंगे प्रॉपरली, पर गमला देंगे आप मिट्टी का ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिलहाल मैं इसको, छोटा पौधा है, अगर ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको, ये देखिए इसको हमने इसको लगा दिया। और लगाने के बाद हम इसको कम से कम 5 दिन शेड में रखेंगे और फंगीसाइड का इसमें वाटरिंग कर देंगे। बस इसमें अगर आप मिट्टी ऊपर तक भर देंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि बरसात अगर ज़्यादा होगी तब भी इसमें वाटर लॉगिंग नहीं होगी। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है दोस्तों। ये एक पौधा हमारा बन गया है और इस प्रकार से आप इस पौधे को आसानी से लगा सकते हैं। इसमें इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान है। इसको कटिंग जो है आप इस समय बरसात के मौसम में आप एक थोड़ा सा पेंसिल का आकार का हो, क्योंकि ये पौधा बहुत छोटा, इसकी कटिंग नहीं लगेगी, लेकिन पेंसिल का आकार का हो उसको आप लगा दीजिए एक साधारण मिट्टी में, या उसमें थोड़ी सैंड मिला लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि 25-30 दिन में उसमें रूटिंग हो जाती है, रूट पत्तियाँ आने लगती हैं, फिर उसको आप बड़े प्लांट में, बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें। ये इसका तरीका है। ये बहुत बढ़िया और बहुत खूबसूरत जासमीन का पौधा है। इसको अपने गार्डन में लगाएं, इसमें केयर कम है, बस इसको हाफ डे की धूप में रखें और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाएं, क्योंकि पत्तियां बहुत होती हैं, ग्रीन भी बहुत है और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, इसलिए पोटाश की मात्रा बढ़ाएं, यही इसका सीक्रेट है। धन्यवाद दोस्तों, राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। ये है मिनी चांदनी, इसमें 3 वेराइटी आती है, एक वेरीगेटेड भी आती है जिसकी पत्तियाँ वेरीगेटेड होती हैं और फ्लावरिंग भी होती है, उसमें फ्लावरिंग आपकी वेरीगेशन में दिखाई नहीं देता है और इसमें पत्तियाँ बिल्कुल ग्रीन है, लश ग्रीन है, तो आपका फ्लावरिंग जो है वाइट वाला बहुत चमकदार रहता है। ये बहुत बढ़िया तरीके का प्लांट है, इसको ज़रूर ऐड करें कम देखभाल में। इसकी कॉस्ट करीब करीब 50 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा गार्डन में, इसको मिनी चांदनी 50-60 रुपये में, और आप इसको ऐड कर सकते हैं। और इससे बड़ा पौधा चाहेंगे तो थोड़ा महंगा मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अच्छा पौधा है, हार्डी पौधा, मिनी चांदनी के नाम से मशहूर है, जैस्मिन की वैरायटी है। धन्यवाद दोस्तों, अब ये लग चुका है, अब इसको हम 4-5 दिन 5 दिन कम से कम रखेंगे शेड में और ये बढ़िया तरीके से हल्के से पानी दे देंगे और ये बढ़िया चलेगा पौधा। धन्यवाद दोस्तों, राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लिए देखते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। देखिए कितना लश ग्रीन है पौधा। ये है छोटी चांदनी, इसको मिनी चांदनी के नाम से जानते हैं, ये जैस्मिन की एक वैरायटी है। दोस्तों इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। राम की बगिया यूट्यूब चैनल आपका।